अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ स्प्रिंग रोल, इसे चाइनीज़ रोल भी कहते हैं। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये मांडा पट्टी चाहिए आपको, और इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आगे बताऊँगी आपको वीडियो में। अच्छा, सोया सॉस चाहिए होगा हमें, ये जब मैं डालूंगी उसमें तो फिर मैं आपको और बता दूंगी कितना डालूंगी। चिकन मैंने बॉईल करके उसको श्रेड कर लिया है, और ये काली मिर्च है कुटी हुई है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बना हुआ है इसका। नमक हसबे ज़ायका डालेंगे हम उसमें। अच्छा, ये कुछ वेजिटेबल लिए हैं मैंने, ये हरी प्याज है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है और गाजर, ये एक एक कप मैंने सब ली हुई। ठीक है, अब मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताती हूँ। पैन में हम बनाएंगे पहले इसको। जी व्यूअर्स, मैंने इसमें पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब मैं सारी वेजिटेबल डालती हूँ इसमें। पहले हम कैरेट डालेंगे, इनको बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है, इसका कलर ख़राब ना हो। क्योंकि रोल भी फिर ऑयली लगेंगे, अगर ज़्यादा ऑयल होगा और बिल्कुल नरम होगी ना, बहुत मज़ा नहीं आएगा उसको खाने में। अच्छा, अब मैं चिकन डाल रही हूँ इसमें। इसका कलर भी ख़राब ना हो और ज़्यादा मुरझानी नहीं चाहिए सब्ज़ियाँ ना, बस हल्का सा ही मैं करूँगी, बस 1 मिनट करूँगी, बस 1 से 1.5 मिनट। बस 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, इसका फैला के डालें, क्योंकि सोया सॉस में भी होता है नमक। और 1 टीस्पून ये काली मिर्च, थोड़ा सा मिक्स कर लें इसको। अब ये 2 टेबल स्पून में सोया सॉस डाल दें, 2.5 टेबल स्पून डाला है, इसको हम मिक्स कर लेंगे। और बस मैं इतना ही करूँगी इसको, बिल्कुल मुरझा जाती हैं वरना सब्ज़ियाँ सारी। और ये हमारी रोल की फिलिंग तैयार है। अच्छा, ये रोल की फिलिंग हमारी तैयार है, आप देख सकते हैं। और इसको ठंडा करके फिर मैं इसके रोल बनाऊंगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, अब मैं आपको ये स्प्रिंग रोल बना के दिखाती हूँ। इसको पहले सही से सेट कर लेना है, ताकि वो सब जगह एक जैसा आए, कहीं से ऐसा मोटा और पतला ना हो। जब हम यहाँ ले आएंगे इसको, तो फिर इस पर मैं ये अंडा लगा रही हूँ इसको सील करने के लिए। इसको देखें, ये इस तरह रखना है पतंग के स्टाइल में, जैसे हम पतंग
करते थे ना, पकड़ते थे ऐसे ही उस तरह, ये कोना यहाँ आ रहा है, ये इस तरह, फिलिंग रखेंगे इसके ऊपर और बिल्कुल बराबर रखेंगे ताकि सब जगह से एक जैसी आए वो फिलिंग। अंडा लगाने से ये और क्रिस्पी भी हो जाते हैं और अच्छे भी बनते हैं। अब हम इसको अच्छे से करते हैं, देख सकते हैं आप। फिर मैंने रोल डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए, और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसको चिली गार्लिक और केचप के साथ सर्व करूँगी। मैं अब ये गोल्डन हो गए हैं और मैं इनको निकालती हूँ। अच्छा, एक मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं ये चिली गार्लिक सॉस है और ये सॉस वो है केचप है, और इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आप बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे।